वेलकम टू रॉकी पीएलसी क्लासेस। रॉकी पीएलसी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटर। काउंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीएलसी में, जो जैसा टाइमर है वैसे ही काउंटर है। तो काउंटर हमारा तीन टाइप का काउंटर है, अप काउंटर, डाउन काउंटर, तीसरा है अप डाउन काउंटर। ठीक है, जो काउंटर का बेसिक टास्क है टू काउंट, काउंट करना काउंटर का काम है। मान लीजिए अप काउंटर में हम लोग का 1 2 3 करके ऐसे काउंटिंग करें, अप में काउंटिंग करेगा। डाउन काउंटर में हमारा डाउन में काउंटिंग करेगा, जैसे कि 10 9 8 7। अप डाउन काउंटर में हमारा अप में कर सकता है, डाउन में कर सकता है। ठीक है, आज हम अप काउंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं अप काउंटर। अप काउंटर को समझने के लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये कॉन्वर है, ये कॉन्वर है। कॉन्वर में हमारा मान लीजिए जो जैसा जैसा इंडस्ट्री में होता है, जैसे प्रोसेस प्लांट में हमारा कुछ कुछ बोतल जाता है। मान लीजिए वाटर बोतल है, एक एक करके वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल एक एक करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंसर है, यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, तो ये क्या, ये सेंसर क्या करेगा, एक एक करके इसको सेंस करेगा। ये आगे बढ़ता जाएगा, कन्वर्ट ऐसे चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा कन्वर्ट चलता है। तो ये कन्वर्ट चलेगा, तो ये इसको एक सेंस किया, उसके बाद ये वाला यहीं पे आ गया, इसको सेंस किया, ये वाला यहीं पे आ गया, इसको सेंस किया, ऐसे करके सेंस करेगा। जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसको सेंस करेगा वाटर बॉटल को, तो हमारा जब एक सेंस करेगा हमको एक एक बिट मिलेगा, 1 बिट। दूसरा वाला सेंस करेगा दूसरा बिट मिलेगा। जब हमारा यहाँ पे 10 मान लीजिए 10 सेंस करेगा, तब हमारा डॉन बिट ऑन हो जाएगा। जैसे हमारा टाइमर में था डॉन बिट, वैसे भी ऐसा टाइमर में हमारा 10 सेकंड दिया जाता था, यहीं पे हमारा 10 काउंटिंग, मतलब सेंसर में 10 काउंटिंग होगा, हमारा डॉन बिट ऑन हो जाएगा। तो उसको एक इंडिकेशन चला जाएगा कि 10 हमारा हो गया है, आप देन इसको पैकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे एक बॉक्स होगा और 10 वाटर बॉटल हमें पैकिंग कर लेगा। ठीक है, तो बेसिक काम हमारा अप काउंटर का यही है, टू काउंट, काउंट करके उसके बाद पैकिंग करेगा और जो भी कर सकता है। तो हमारा बेसिक काम है काउंट, अप काउंट। तो उसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, जो हमारा पीएलसी लैडर सिमुलेटर में है। यह हमारा ब्लॉक डायग्राम है, यह अप काउंटर लिखा होता है, काउंटर का नाम C0, जैसे टाइमर का नाम T0 होता था वैसे काउंटर का नाम C0 है। वहां पे टाइम बेस होता है, यहां पे टाइम बेस नहीं होता है, यहाँ पे उसके बाद प्रीसेट होता है। प्रीसेट में आप कितना देते हैं, प्रीसेट हम दिए मतलब 10 बोतल का काउंटिंग करेगा तो 10 दिए। उसके बाद एक्युमुलेटर में हम 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ये सेंसर का इनपुट है I 0.0। सेंसर हो सकता है, पुश बटन हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्विच नहीं हो सकता है। हम टाइमर में स्विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस पुश बटन हो सकता है, नहीं तो सेंसर हो सकता है, बस ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन स्विच नहीं हो सकता है। स्विच हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा स्विच है, ऐसे जैसे स्विच होता है, यहाँ पे काउंटर में हम यूज़ नहीं कर सकते। ये स्विच है ना, ये काउंटर में नॉट रिक्वायर्ड।
क्योंकि यदि स्विच क्लोज हो गया तो हमारा काउंटिंग का मतलब काउंटिंग ही नहीं कर पाएगा, एक बार बंद हो जाएगा उसके बाद ओपन हो जाएगा, काउंटर में स्विच का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा काउंटिंग करेगा, ये हमारा रीसेट है, इसको बोलते हैं रीसेट, यहाँ पे रीसेट लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा डॉन बीट का आउटपुट निकलेगा, ये डॉन बीट है, ये काउंटिंग बीट है। ठीक है, सी यू, तो यहाँ पे लिखा होता है C0 डॉन बीट, यहाँ पे लिखा होता है C0 काउंटिंग काउंटर, इसको काउंटर भी बोलते हैं, ये काउंटिंग करेगा। ये डॉन बीट जो अभी हम देख लेते हैं इसका वेब फॉर्म, मान लीजिए हम पुश बटन दबाया, ये हमारा हो गया, ये पुश बटन हाई है, उसके बाद लो हो गया, पुश बटन छोड़ दिए, उसके बाद फिर पुश बटन हाई हो गया, उसके बाद पुश बटन हाई होकर रुका, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद हाई हुआ, उसके बाद छोड़ दिए, हाई हुआ, छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीन काउंटिंग करेगा, ये हमारा जो है एक एक काउंट बीट ऑन है, ये भी हमारा काउंट बीट ऑन है, ये हमारा काउंट बीट ऑफ है, ये ऑन ये ऑफ। तो इसको जी ये ऑन हुआ, ये काम इसी में ही काउंट ऑन होगा, सी यू ऑन होगा, ये वाला में ऑफ होगा, सी यू ऑन सी यू ऑफ। उसके बाद ये वाला सी यू बिट हाई ऑन होगा, ये वाला में हम लोग का सी यू ऑफ होगा। तो ऐसा है, जैसे हम लोग का पुश बटन दबाया, हमारा हाई हुआ यहाँ तक गया, उठाया यहाँ तक गया, दबाया यहाँ तक गया, फिर उठाया यहाँ तक आया, फिर दबाया यहाँ तक गया, उठाया यहाँ तक आया, तो यहीं से यहीं तक हमारा ये बिट हम लोगों को मिलेगा, फिर यहीं से यहीं तक ये बिट हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। तब ऐसे करके अगर 10 काउंटिंग हो जाएगा, ये वाला बिट हमारा ऑन हो जाएगा, ये अकुमुलेटर वैल्यू, ऐसे 1 2 जैसे टाइमर में हमारा इंक्रीज होता था, एक बार दबाया छोड़ दिया एक ही इंक्रीज हुआ, उसके बाद और एक बार दबाया छोड़ दिया, उसके बाद 2 इंक्रीज हुआ, दबाया छोड़ दिया 3 इंक्रीज हुआ, दबाया छोड़ दिया 4 इंक्रीज हुआ, दबाया इंक्रीज हो गया, छोड़ दिया कुछ नहीं, उसके बाद फिर दबाया 5 इंक्रीज हुआ, ऐसे करते करते हमारा 10 हो जाएगा, जब 10 हो जाएगा हमारा डॉन बीट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू अक्यूमुलेटर वैल्यू देन डॉन बीट ऑन, डॉन बीट ऑन, नहीं तो फिर 10 के बाद और एक बार दबाता है तो ये आराम हो जाता है, 11 हो जाता है, तब भी हमारा डॉन बीट ऑन होता है। तो प्रीसेट वैल्यू अक्यूमुलेटर वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू अगर बड़ा होता है, अक्यूमुलेटर वैल्यू देन डॉन बीट ऑल्सो ऑन, अगर प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू से कम है, डॉन बीट ऑफ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
ये हमारा डॉन बीट ऑन हो गया। उसके बाद अगर हम चाहेंगे उसको रीसेट करने के लिए, अभी रीसेट तो नहीं होगा इसलिए I 0.1 को यहाँ पे लेते हैं उसको रीसेट करवाने के लिए, यहीं पे होता है, नहीं तो यहाँ पे एक होता है रीसेट करने के लिए, जैसे लिखा होता है RES, यहाँ पे I 0.1 यहीं पे होता है, नहीं तो यहीं पे होता है। हमारा PLC लैडर सिमुलेटर जो मोबाइल में आप में यहीं पे है, नहीं तो एलन ब्रैडली में यहीं पे होता है, ठीक है। सो मैंने यहीं पे थोड़ा गलती किया हूँ, ये वाला प्रीसेट वैल्यू अगर एक्यूमुलेटर वैल्यू ज़्यादा होगा, ये 11 होगा तब भी डॉन बिट ऑन होगा, ये कम होगा प्रीसेट वैल्यू तब हमारा डॉन बिट ऑफ होगा। इसको और एक बार समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट हम निकाल देंगे C0 डन बिट O 0.0। ये हमारा जो हमारा बॉक्स पैकिंग होगा, ये पैकिंग हमारा इंडिकेशन मिल जाएगा, आप पैकिंग कर लीजिए, ठीक है। डन बिट 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तब हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीसेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू अगर बड़ा होता है एक्यूमुलेटर वैल्यू से प्रीसेट अगर बड़ा होता है एक्यूमुलेटर वैल्यू से डॉन बीट ऑफ, प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू एक्यूमुलेटर वैल्यू, डॉन बीट ऑन। अगर प्रीसेट वैल्यू ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर वैल्यू, डॉन बीट ऑल्सो ऑन, ये बोल रहा है 10 होने के बाद अगर प्रेस करेंगे तभी 11 हो जाएगा। पुश बटन से प्रेस करते हैं, सेंसर से सेंस करते हैं, ये 11 हो जाएगा तब हमारा एक्यूमुलेटर वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन डॉन बीट ऑन रहेगा। उसके बाद 12 होगा, उसका 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, ये टाइमर नहीं है कि टाइमर हो गया रुक गया, उतना नहीं, ये बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको रीसेट बटन से रीसेट कराते हैं, ठीक है।